तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका तरुण तरंग ऑनेस्ट तरुण के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं कुछ भेड़िया मूवी के बारे में। जब से मूवी रिलीज हुई है और मैंने जितने भी रिव्यू देखे, सबने मूवी को अबव एवरेज का रेटिंग दिया। नेगेटिव रिव्यू करने वालों को बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई जब भी आप घर से जाए करो मूवी देखने के लिए, तो प्लीज खाना खा के जाया करो और सर्दी का टाइम है, थोड़ा गर्म कपड़े पहन के जाया करो। क्योंकि अगर या तो थिएटर में आपको ठंड लगेगी या भूख लगेगी, तभी आपका मन मूवी की तरफ से हट जाएगा। क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने अच्छी अच्छी मूवी को भी ना अच्छा कहने के बावजूद भी अच्छे तरह से फील नहीं कर पाया मैं मूवी को, क्योंकि ठंड लगने की वजह से और भूख लगने की वजह से, ये दो चीज की वजह से आपका जो मूवी एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकता है। जितने भी मैंने रिव्यू देखे सर, अबव एवरेज कर रहे हो भाई। उसका VFX देखा भाई, भेड़िया बनने का VFX, वन शॉट VFX है वो, वन शॉट शूट है। इतनी खतरनाक भेड़िया तो अभी तक मैंने किसी फिल्म में देखा ही नहीं, हॉलीवुड की मूवी को छोड़ के। और फिर भी तुम्हें ये लग रहा है, अभी मार्वल की मूवी आई थी वेयरवॉल्फ करके, उसमें भी भेड़िया बनते हुए उतना नहीं दिखाया गया था, लेकिन इसमें तो प्रॉपर दिखाया भी गया है। क्या ये बॉलीवुड ने अच्छा काम नहीं किया है भाई? वरुण धवन ने एक्टिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन जिस जिसने मूवी देखी है, ऑडियंस की राय में मूवी ब्लॉकबस्टर है। अगर ऑडियंस ने पसंद कर लिया तो मूवी चलेगी चलेगी। आजकल की मूवी रिव्यूअर को हो क्या गया है पता नहीं, कुछ भी बोल देते हैं यार। बॉलीवुड की फिल्म में तो क्या खराबी होगी क्या, एवरेज ही होगी क्या? अच्छी मूवी को अच्छी कहना सीखो। पहली बात तो भेड़िया मूवी बहुत अच्छी मूवी है, मेडक फिल्म वालों की मूवी है। जैसे कि आपने स्त्री में मजा लिया, स्त्री को पसंद किया, वैसे ही भेड़िया मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। अमर कौशिक ने इतनी मेहनत करी है मूवी को बनाने के लिए, इतना कुछ दिमाग लगाया है, उसको रेयर और बढ़िया मूवी बनानी थी, इसीलिए उस बंदे ने VFX की टीम MPC को हायर किया, जो कि लॉयन किंग, आपकी मार्वल की कई सारी फिल्में, जितनी भी कार्टून की मूवी है वो सारी की सारी फिल्मों को वो वही बनाते हैं, वही उसका VFX काम संभालते हैं, उन्होंने उनको हायर किया। आप कैसे कह सकते हो कि मतलब मूवी एवरेज है? मूवी का स्टोरी बहुत इंगेजिंग है। बहुत लोग कहते हैं कि फर्स्ट हाफ स्लो है, फर्स्ट हाफ कहीं से भी स्लो नहीं है, फर्स्ट हाफ अपना काम कर जाती है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है। यही अगर कोई हॉलीवुड की फिल्म होती ना 3 घंटे की भी, तो कहते कि स्टोरी बिल्डअप करने में टाइम लग जाता है, तो मुझे तो कहीं मूवी बोर नहीं करी। लेकिन भाई ये मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी। इसकी कॉमेडी जो है ना, वो जरूरी है कि पीठ पकड़ के हंसाए, लेकिन इतने अच्छे अच्छे कॉमेडी है कि आपका मन खुश रखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेट पकड़ के हंसाएगी ये मूवी, लेकिन ये मूवी आपको ऐसे ऐसे पंचेस हमेशा देती रहेगी, जिससे कि आप अपने मन को ना हमेशा खुश रहोगे। अरे यार क्या बोल रहा है। पालिन कमान लोकल एक्टर है, वहीं के ही अरुणाचल प्रदेश के एक्टर है वो। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के साथ इस पूरी की पूरी कॉमेडी के उभार को संभाला और बहुत बेहतर तरीके से संभाला। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करते करते, बहस करते करते किस लेवल तक चला जाता है इन दोनों की लड़ाई में, वो दिखता है। वो चीज फील कर पाता हूँ मैं कि हाँ, बहस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ सकती है। वरुण धवन के बॉडी में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, और इन दोनों की लड़ाई उसमें भी चालू है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मूवी में ह्यूमर को सही तरीके से यूज किया गया है। जबरदस्ती का कॉमेडी एंगल बनाने के लिए कोई डायलॉग या पंचेस नहीं बोले गए, वो उस जगह पर सटीक बैठती है जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक रैप सॉन्ग भी है जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने ही, आर्टिस्ट ने ही इस रैप सॉन्ग को गाया है, और वो बखूबी बहुत अच्छा ही लगता है। पहली बात तो इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि लोकल लोगों को पूरी तरह से दिखाया गया, उनको शामिल किया गया, ताकि फिल्म जो है रिलेटेबल लग सके, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मूवी मेकर्स का, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्लाइमेक्स में जो कृति सरन के बारे में बताया जाता है ना, इसीलिए ही शायद कृति सरन को स्टार्टिंग में कम स्पेस दिया गया, ताकि लोगों को पता ना चले, क्योंकि कृति सरन को पहली नजर में ही प्यार हो गया था वरुण धवन से, तो वो ज्यादा देर छुपा नहीं सकती थी। प्लस वो पूरी की पूरी भेड़िया बन चुकी है, तो उसके अंदर जो फीलिंग है वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती थी, इसीलिए शायद उसको कम स्पेस दिया गया। और एंड में जो कृति सरन के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि वो वापिस रिटर्न जरूर करेगी, क्योंकि भेड़िया अपने जख्म को जल्दी भर लेते हैं। जैसे कि कृति सरन ने कहा था कि वो एक जंगल में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, वो वरुण धवन को सौंप के किसी और जगह पर चली गई, लेकिन जनरली मुझे खुद अच्छा लगेगा कि अगर कृति सरन रिटर्न करती है तो, क्योंकि दो भेड़िया एक साथ देखने का मजा कुछ अलग ही था, बहुत मजा आया मूवी देखने में। अगर मूवी के बजट की बात करो तो मूवी केवल 60 करोड़ की फिल्म है, और 60 करोड़ में इस तरह का काम करके देना बॉलीवुड में मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज भी देख ली, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी देख ली, वो भी देख ली, बड़ी बड़ी फिल्में देख ली। अभी आदिपुरुष का नाम नहीं लूंगा, आदिपुरुष के बारे में बहुत बातें हो गई है, आदिपुरुष का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन ये सारी फिल्में सोचो 500 2 200 250 करोड़, 300 करोड़ की फिल्में हैं, लेकिन ये फिल्म केवल 60 करोड़ की है, और ये अपना 60 करोड़ से बॉलीवुड के हिसाब से कहीं ज्यादा देती है। भेड़िया मूवी के जो राइटर है वो है निरन भट्ट, और उन्होंने जिस तरह से राइटिंग पार्ट संभाला इसमें, बहुत काबिले तारीफ है। इस तरह की राइटिंग बहुत कम फिल्मों में देखा जाता है, कि इस तरह से ग्रिपिंग, थ्रिलिंग, फन एलिमेंट के साथ, और स्क्रीन प्ले है इसका बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा लगता है। यूनिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है।
हर एक कैरेक्टर को इसमें टाइम दिया गया है, जैसे दीपक डोबरियाल को बीच बीच में दिखा के उनसे उनकी लाइनें बुलवाई जानी, अभिषेक बनर्जी का हमेशा साथ में रहना, उसका एक भाई की तरह वरुण धवन का केयर करना, उसी बातों पे ही कॉमेडी क्रिएट होना, ये ऑटोमेटिक मुझे तो लग रहा था कि ऑटोमेटिक कॉमेडी क्रिएट हो रहा है, वो इतना सीरियस और इतना रियल लगता है देखने में, तो ये बहुत अच्छी बात है इस मूवी के लिए। तो मेरी तरफ से हर मूवी देखने वाले को ये राय है कि प्लीज़ खाना खा के और गर्म कपड़े पहन के मूवी देखने जाना। पहली बार हिंदी सिनेमा के लिए जो है ना रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि वो VFX को इस तरीके से इस लेवल पे ले जा चुके हैं कि हम बॉलीवुड में भी हॉलीवुड लेवल का VFX फील कर सकते हैं। मीडियम मूवी की जो पूरी की पूरी कलर टोन है वो थोड़ी डार्क रखी गई है, जिसकी वजह से थिएटर में जब 3D ग्लास आप लगा लेते हो तो थोड़ा सा अंधेरा सा नजर आता है, बट थोड़ा अगर वो लाइट होता तो अच्छा लगता, क्योंकि मैं मूवी को देखने के पर्सपेक्टिव से गया था और मूवी का मैं ऑनेस्ट रिव्यू करना पसंद करता हूँ। मुझे फेक बातें या घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की खराब से खराब फिल्में भी मैंने देखी है और अच्छी से अच्छी फिल्में भी देख रहा हूँ। इस मूवी में दो ही गाने हैं और एक रैप सॉन्ग चलता रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव का जो कैमियो आता है ना, वो भी बहुत लाजवाब लगता है। दोनों स्त्री वाली वाइब को दोबारा से जगा देते हैं, इतना अच्छा लगता है ना कि अगर इन दोनों मूवी का जो कड़ी है ना वो है अभिषेक बनर्जी। हमें पता है कि उस मूवी में भी अभिषेक बनर्जी था, इसमें भी अभिषेक बनर्जी है। अब अभिषेक बनर्जी आगे के पार्ट में और क्या क्या गुल खिलाता है ना, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ही दोनों मूवी का लीड रोल है एक तरह से देखा जाए तो। बस दोस्तों मेरे वीडियो में इतना ही, और इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके चैनल को पूरा का पूरा भर दो, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।